पापा ज्योति भाभी के फोटो मुझे क्यों भेज रहे? ऐसी लग रही है, सुंदर है ना? क्या बोल रहे पापा? अरे ज्योति भाभी है वो। फोन भी नहीं उठा रहा। महाराज, अभी है ना, पापा ने ज्योति भाभी के कुछ फोटो भेजे, साड़ी में ऐसे ज्योति भाभी पोज वोज ऐसे। उसके नीचे पापा ने ऐसे लिखा है कि कैसी लगी, सुंदर है ना? हाँ? तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ? ए, चुप ना, बात कर रही हूँ। ये सब लिखा था? हाँ? I have no idea, but पापा ऐसा क्यों लिखेंगे राज? मुझे क्या पता? सानी? किसी लेडी के बारे में कैसी लगी, सुंदर है ना, ऐसा लिखना गलत है ना? Absolutely. हमें हर्षद भाई को पता चला तो वो तो खैर पापा को कुछ नहीं करेंगे, मुझे पकड़ के पीटेंगे हर्षद भाई। ये क्या है, तुम्हारे पापा ऐसे सब? डैडी, डैडी, लक्स, दादाजी को दादी को एक नई साड़ी दिलानी थी, तो ज्योति आंटी ने अपनी बेस्ट साड़ी की फोटो दादाजी को भेजी ताकि वो बेस्ट डिजाइन सेलेक्ट कर पाए। अब दादाजी को दादी को फोटो भेजनी थी पर गलती से उन्होंने आपको फोटो भेजी। आजकल दादाजी का ऐसा क्रॉस कनेक्शन बहुत चल रहा है। ओके, थैंक यू। डू यू हैव एनी आइडिया मिस्टर दसानी, कितना बड़ा इशू हो सकता है ये? और तुम ऐसे कैसे किसी को धोखा दे सकते हो? तुम्हें पता है ना कि इसके लिए तुम्हें जेल तक हो सकती है। जेल? यस, जेल। What happened? Kiara ma'am, all well? बताइए, बताइए मिस्टर दसानी, अपनी करतूतें बताइए। कोई करतूत वर्तूत नहीं है सर, वो क्या है ना, एक्चुअली शादी के लिए लड़की ना मिलने की वजह से मैंने प्यार अनलिमिटेड नाम के ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल बनाया है, लेकिन जब कियारा मैम ने मेरे प्रोफाइल पिक्चर देखी तो वो जब ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या प्रोफाइल पिक्चर? आप ही देख लीजिए ना, अब इस पे क्या बुराई है? ये साउथ का एक्टर है ना? फेमस साउथ इंडियन एक्टर है मिस्टर वागले। साउथ का है? रे? अरे उनकी अभी फिल्म रिलीज हुई थी और हिट भी हुई है। पर मैंने नहीं देखी। और ये मिस्टर दसानी उनकी फोटो लगाकर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर इम्प्रेस कर रहे थे डेटिंग ऐप पर। अरे झूठा झांसा दे रहे थे कि घनश्याम दसानी ऐसे दिखते हैं। दसानी क्यों करते हो ऐसी उठपटांग हरकतें? हैं? सॉरी कियारा मैम, सॉरी राजेश सर, लेकिन क्या है ना, जब मुझे से सुंदर चेहरे को मैचेस नहीं मिल रहे थे तो मुझे इन हीरो लोगों का सहारा लेना पड़ा। इट्स एन ऑनलाइन ऑफेंस मिस्टर दसानी, कैट फिशिंग कहते हैं इसे। क्या? कैट फिशिंग मतलब जहाँ पर फेक ऑनलाइन पर्सोना बनाकर इनोसेंट पीपल को रिलेशनशिप में लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैट फिशिंग। डोंट डू दिस अगेन मिस्टर दसानी। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी अब। सॉरी मैम, प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस माता जी ना सम, मैं किसी गुजराती एक्टर का वो जो डाया होता। क्या मतलब? जाओ अभी काम करो, गुजराती और तेलुगु और बट गुड मैम, गुड यू कॉट हिम। सीरियसली ये क्या है, किसी हीरो की फोटो एज प्रोफाइल पिक्चर? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डेटिंग ऐप, ये क्या कैटफिशिंग, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये ऐसे ऐप्स ना होने ही नहीं चाहिए, तो ऐसे क्राइम्स नहीं होंगे। एक्चुअली मैं भी इस ऐप पर हूँ मिस्टर वागले। ओह, अब भी है? मे बी आई एम टू ओल्ड स्कूल फॉर ऑल दिस। हमारे जमाने में ऐसे लड़का लड़की किसी की शादी में मिलते थे कॉलेज के एनुअल डे पर, एक दूसरे को देखते थे, या कॉलेज की पिकनिक होती थी तो फिर ऐसे देखती, फिर दिल ऐसे धक धक करने लगता था, फिर दोस्तों के थ्रू उसके बेस्ट फ्रेंड से पहचान करवा के नंबर लेना, और वो सब थ्रिल होता था फिर अब तो ये स्वाइप राइट
स्वाइप लेफ्ट के इस चक्कर में वो थ्रिल, वो इनोसेंस कहीं खो गया। I could be totally wrong. I understand times have changed. Actually, मैं भी old school type ही हूँ इन मामलों में मिस्टर वागले। पर क्या करूँ? I'm into my 30s. अभी तक सिंगल हूँ, अकेली हूँ। एंड पर्सनल लाइफ में जो भी लड़के मुझे मिले, वो मुझसे शादी या तो मेरा बैंक बैलेंस देकर करना चाहते थे, या फिर वो US वाले निक जैसे शो ऑफ करने वाले। पर स्ट्रेंजली जो मुझे चाहिए ना, वो एम्बिशियस एट डाउन टू अर्थ टाइप का लड़का। और ऐसे ही लड़कों की शॉर्टेज है मेरी लाइफ में, इसलिए मुझे ये डेटिंग ऐप ट्राई करना पड़ा। किसी श्री नाम के लड़के का पिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सिंपल फैमिली मैन बाय हार्ट, हियर फॉर अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। हो, सुनने में तो ठीक ठाक लग रहा है। क्या करेंगे आप? राइट स्वाइप। हो, ओके। और अब ये मुझे मैसेज करेंगे, टेक्स्ट में बातें होगी, मैं जज करूंगी, अगर इंटरेस्टिंग लगा तो कॉफी पे भी चली जाऊंगी। ओके, चलो, फिंगर्स क्रॉस फॉर यू। अच्छा है? अच्छा बिल्कुल नहीं है। ये डेटिंग ऐप एक नंबर का लफड़े वाला आइटम है। देखना क्यारा मैम फंसेंगी एक दिन। लगाते हैं 5-5 लिंबू की शर्त। दस लिंबू बस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।